अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत डिमांडिंग वीडियो है, क्योंकि कुछ मेरे व्यूअर्स जो हैं बहुत डिमांड कर रहे थे कि मैनीपैडी का सीक्रेट बताएं। तो चलें पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकॉन को दबा लें, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं वाकई ही आपको एक सीक्रेट बता रही हूँ जो हम पार्लर्स में यूज़ किया करते हैं सिर्फ मैनीपैडी के लिए। ये यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, फेशियल है मेरे पास, ठीक है, डर्माकॉस का फेशियल है। तो उसके साथ आप मैजिक क्या करेंगे या कौन सा मैजिकल इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे जो आपका रिजल्ट जो है वो पार्लर जैसा आए, ठीक है। तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना ताकि आपका कोई भी सीक्रेट जो है वो मिस ना हो। तो जी सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ। ये जी क्लिंजर है इनका, डर्माकॉस का, ठीक है, और ये जो है हाइड्रोक्सी क्ले है, ठीक है, क्ले मास्क है इनका। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना मैनीपैडी के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैनीपैडी में स्पेशल मैनीपैडी का भी इनकी किट है, अगर आप वो परचेज करना चाहें तो वो कर लें। लेकिन पार्लर में डर्माकॉस के साथ एक मैजिक किया जाता है जिसका रिजल्ट आपको डर्माकॉस का फिर बहुत अच्छा आता है। वो मैजिक क्या है आज मैं आपको अपनी वीडियो में ये दिखाऊँगी, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं और मैनीपैडिक्योर के लिए बेस्ट हैं। मैं आपको नहीं सजेस्ट करती कि आप स्पेशल मैनीपैडी की भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो लें। आप फेशियल के साथ भी मैनीपैडिक्योर कर सकते हैं और बहुत अच्छा शाइन वाला कर सकते हैं। ये इनका सूदिंग टोनर है, टोनर जो है वो क्लिंजिंग के बाद यूज़ होता है फेशियल में, और टोनर की पेडिक्योर में मैनीक्योर में कोई ज़रूरत नहीं होती। मेरी एक व्यूअर है जो बाकायदगी से मुझे मैसेज कर रही हैं कि मैं उनको पेडिक्योर के बारे में बताऊं, उनकी शादी है। तो जी ये पेडिक्योर जो मैं आज आपको बता रही हूँ, ये जब आप करेंगे तो आप देखिएगा इसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। ये फेशियल वॉश है इनका, आपको फेशियल से पहले करना होता है और अगर आप पेडिक्योर में भी पहले यूज़ करवा लें तो बेहतर रहता है। तो ये प्रोडक्ट्स मैं आपको इनको खोल के भी चेक करवाऊँगी कि इनके क्या रिजल्ट्स हैं और ये कैसा टेक्सचर है। एक तो डर्माकॉस की बात ये कि बहुत इकोनॉमिकल फेशियल है, दूसरी बात ये कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। डर्माकॉस फेशियल आपके पास अगर हो तो आप उसको एज अ फेशियल भी यूज़ कर सकते हैं और आप उसको मैनीपैडी के प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो पेडिक्योर के स्टेप्स और पेडिक्योर में आपको कई दफ़ा दिखा चुकी हूँ, तो आपने उसी प्रोसेस के साथ ही इस पेडिक्योर को भी करना है। आज मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ मैं आपको यूज़ दिखाऊंगी और मैं आपको वो मैजिक दिखाऊंगी जो मैंने आपको बताना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो प्रोसेस है वो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। और दूसरी बात ये रिक्वेस्ट करनी है कि मेरे इंस्टा के पेज को भी फॉलो करें, और इंस्टाग्राम पे भी मैं हतफ नाजिम के नेम से ही हूँ और वहाँ पे भी लाइक शेयर और कमेंट कर दिया करें। तो जी ये देखेंगे मेरे पास इनका ग्लो स्क्रब है, गावा ग्लो स्क्रब। अगर आप इसको खोल के देखेंगे ना, अगर आप इसको स्मेल करते हैं तो आप यकीन करें आपको ऐसे ही लगेगा जैसे अमरूद आपके पास रखे हुए हैं। तो जी बहुत अच्छा इसका टेक्सचर है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, सिर्फ इस स्क्रब का ही जो है रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये जी इनकी ग्रे क्रीम, ग्रे क्रीम जो है वो मसाज के लिए यूज़ होती है। अगर आप मसाज करना चाहें, आपके पाँवों पे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, तो आप ये भी प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ तीन प्रोसेस दिखाऊंगी, ठीक है, जो मैजिकल होंगे। एक तो क्लिंजिंग है, दूसरा स्क्रबिंग है, तीसरा मास्क है, ठीक है। ये मास्क इनका देखने, क्ले मास्क का टेक्स्चर कुछ ऐसा है इनका, ठीक है, बहुत अच्छा टेक्स्चर है इनका। और ये प्रोडक्ट्स आप आंखें बंद करके ले लें इकोनॉमिकल अगर आप लेना चाहते हैं। तो जी आ जाएं अब अपने मैजिक पे। तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है क्लिंजर, और क्लिंजर के साथ मैंने आपको दिखाया है मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जो हम घरों में अपने खाने में यूज़ करते हैं, उसको आपने इस प्रोडक्ट में मिक्स करके यूज़ करना है, ठीक है। ये पार्लर का मैजिकल इन्ग्रीडियंट है, ये आपको दिखा के यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि अक्सर लोगों ने तो इसमें मिक्स करके रखा होता है। लेकिन मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूँगी, पार्लर में रिजल्ट देने के लिए इसको फेशियल में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन आपने फेशियल में इसको यूज़ नहीं करना। मैं आपको रिकमेंड नहीं करती कि आप अपने फेस पे मीठा सोडा यूज़ करें, ठीक है, पिंपल्स हों या उसको ड्राई करने के लिए, उसको सुखाने के लिए अगर यूज़ करना हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फेशियल में आपने यूज़ नहीं करना। मैं फिर बार बार कह रही हूँ, आपने इस चीज़ को मिक्स करना है अपनी प्रोडक्ट में मैनीपैडी के लिए, ठीक है। तो जी मैंने क्लिंजिंग कर ली है, क्लिंजिंग के बाद भी हाथ देखें कितना फ्रेश हो गया है। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, इसके मीठा सोडा जो है ना, ये एक
अब ये मैं आपको स्क्रब दिखा रही हूँ, तो स्क्रब में भी आपने मीठा सोडा ऐड करना है, मीठा सोडा या बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर की बात नहीं कर रही मैं, बेकिंग सोडे की बात कर रही हूँ। तो ये देखिए मैं एक चुटकी, तकरीबन चुटकी से ज़्यादा ही लेती हूँ और इसको मिक्स कर लेती हूँ प्रोडक्ट में, और फिर प्रोडक्ट के साथ आपने इसी तरीके से पेडिक्योर में भी यूज़ करना है इसको, ठीक है। तो ये अगर आप समझ लें कि मैं रिव्यू भी आपको दे रही हूँ डर्माकॉस का, डर्माकॉस फेशियल अच्छा है, अगर आप इकोनॉमिकल फेशियल लेना चाहते हैं तो इसका रिजल्ट अच्छा है, तो इसी फेशियल को आप मैनीपैडी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मिक्स करके मीठे सोडे को मैंने जब स्क्रबिंग करनी है तो बहुत अच्छी नीटनेस आएगी और शाइन आएगी आपके हैंड में, और बहुत अच्छी सफाई हो जाती है हैंड्स की और फीट की। तो लाजमी इस टोटके को, इस रेमेडी को यूज़ कीजिएगा, आप देखिएगा आपके रिजल्ट्स जो हैं वो डबल हो जाएंगे। तो और कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, बस ये कुछ ट्रिक्स होते हैं जो आपसे छुपा के रखे जाते हैं। तो आज यही मैजिक मैंने आपको बताना था। आप देखें जैसे ही मैं स्क्रबिंग कर लूँगी, स्क्रबिंग और सब कुछ मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया हुआ, उस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। तो आसान है मैनीपैडी करना भी, ठीक है। तो बार बार आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं कोई अच्छी प्रोडक्ट बताऊं मैनीपैडी के लिए, तो मैंने कहा कि चले मैं आपको आज एक मैजिक ही बता देती हूं। अभी मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप में, जो लास्ट स्टेप है, उसमें भी बताना है कि आपने कैसे अपने रिजल्ट्स को जो है वो प्रॉपर करना है, यानी नीट आपका रिजल्ट कैसे आएगा, शाइन में कैसे जाएगा रिजल्ट, और फाइनल स्टेप आपका क्या होगा जिससे आपके हैंड्स जो है वो वाकई में ग्लो करेंगे। तो ये मैंने अब स्क्रब को साफ कर लिया अच्छे तरीके से, मैंने आज वीडियो बहुत जल्दी जल्दी में बनाई है, तो सिर्फ मकसद ये था कि मैंने आपको दिखाना। आप देखें जहाँ पाम से ऊपर, हथेली से ऊपर जहाँ मैंने प्रोडक्ट अप्लाई नहीं की भी, वहाँ पे इतनी नीटनेस नहीं है, नीचे आपको नीटनेस नज़र आ रही होगी। तो जी ये हाइड्रोक्सी क्ले है, ये इनका मास्क है। मास्क का मैं आपको बताती हूँ क्या तरीका है। मास्क आपने अपने हैंड पे लेना है, इसमें आपने मीठे सोडे को ऐड करना है, तकरीबन आपने हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम मीठा सोडा इसमें, ठीक है, ऐड करना है, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने ये मास्क, जैसे आप मास्क अप्लाई करते हैं आपने मास्क को भी मीठा सोडा मिक्स करके ही अप्लाई करना है। ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा, मैं इस एक्सपीरियंस को आजमा भी चुकी हुई हूँ। तो आप जब इस तरीके से मैनीपैडी करेंगे, सिर्फ मैनीपैडी फेशियल नहीं, ठीक है, तो आप देखिएगा आपके रिजल्ट्स जो हैं वो डबल हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेमेडी मेरी बहुत पसंद आएगी, और अगर आप यूज़ करेंगे, यूज़ करके जब रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना है, और जिन सिस्टर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी वो तो ज़रूर कमेंट करेंगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे इंस्टा पर भी फॉलो करें, इंस्टा पर मैं खत्तफ नाजिम के नेम से हूँ, और आके मेरी पिक्चर्स को लाइक और शेयर कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें जी। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट मास्क को लगा के रखा है, और लगाने के बाद भी ये रिजल्ट्स आपके सामने हैं। आप ऊपर भी देख लें, जो बाजू है वो थोड़ा ब्लैक है जहाँ पे हमने अप्लाई किया, वहाँ के आप मैजिक्स देख सकते हैं कैसे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ट्रिक्स आपको अच्छे लगे होंगे, रिजल्ट आपके सामने हैं, हाथ में और पीछे बाजू में फ़र्क है, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।